International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो शहर में निगम की बसें चलाई जा रही है उनमें छात्र छात्राएं जो कॉलेज स्टूडेंट है स्कूल के स्टूडेंट उनको रियायत देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा आयुक्त को। और इसमें हमारी मांग मुख्य मांग ये है कि जो विद्यार्थी यहाँ का पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर जो किराए के अंदर छूट देनी चाहिए ताकि उनके ऊपर क्योंकि आर्थिक भार आ रहा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधक हो रहा है। तो इसलिए हमारी मांग है कि इनके अंदर जो निगम की बसें हैं उनके अंदर छात्र छात्राओं को रियायत दी जाए। पहले कितना किराया लगता था, कितनी रियायत मांगा? पहले जो बसें चल रही हैं उनके अंदर जो टेम्पो प्राइवेट या टेम्पो चल रहे हैं उनके बराबर ही किराया लगता है, पर हमारे मांग है कि उनमें कम से कम स्टूडेंट को 50% रियायत दी जाए। आज किसको ज्ञापन दिया? आज हमने उपायुक्त रलावता साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन जताया है कि कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के स्टूडेंट यूनियन के लोग आए थे और उन्होंने आके कहा कि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारी बसें चल रही है लो फ्लोर बस जो चल रही है उन बसों में भी उनको उनके जो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उनको रियायत दी जाए ना, कंसेक्शन दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने मांग की, एक लेटर दिया है, इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे।